एल्विश यादव के पीछे आकर हमारे जर्मनी वाले भैया क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ। कोई किसी की बिना वजह तो नहीं पड़ता है, लेकिन ध्रुव राठी जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत शातिर दिमाग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ध्रुव राठी की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है, और एल्विश और ध्रुव की प्रेम कहानी भी सुनाऊंगा, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में कॉन्क्लूजन आपके हाथ में होगा, फिर आपकी राय, जनता का फैसला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के बटन को प्लीज दबा दो और मेरे इस मिशन 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी में शामिल हो जाओ। आपके साथ की बहुत जरूरत है मुझे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ध्रुव राठी के बारे में जानते हैं। इनकी खासियत तीन चीजों पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू पब्लिक। जर्मन गर्लफ्रेंड की बात नहीं करूंगा, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नंबर वन, पॉलिटिकल बायसनेस। नंबर टू, ग्रेट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। नंबर थर्ड, ग्रेट एजुकेटर एंड अ ग्रेट मार्केटर एंड अ गुड ओरेटर। ये तीन खासियत है इनकी। पॉलिटिकल बायसनेस की अगर हम बात करें तो कुछ ध्रुवियंस ऑफेंड हो जाएंगे, बट मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात मानो, 80% पॉलिटिकल वीडियोज में देखा जा सकता है कि हाउ ध्रुव राठी यूजेस हिज फेवरेबल पॉलिटिकल आर्टिकल फॉर सेटिस्फाइंग हिज पॉलिटिकल साइड। अपने मन पसंदीदा आर्टिकल्स का वो किस तरह से यूज करते हैं। कंपेयर टू एल्विश, बहुत से कमेंटर्स का साफ मानना है कि एल्विश यादव राइट विंगर है एंड ही इज ऑल्सो बायस्ड। बहुत से कमेंटर्स कहते हैं ऐसा कि एल्विश भी बायस्ड हैं टुवर्ड हिज फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है ध्रुव राठी के करियर में कि एल्विश यादव को टारगेट किया जाए, बिकॉज एल्विश यादव एकमात्र ऐसी कड़ी है जो राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर रखते हैं। राइट विंगर चैनल्स आप उठा के देख लीजिएगा, इतने ज्यादा व्यूज के साथ, इतनी ज्यादा इंगेजमेंट के साथ आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। अगर आप लेफ्ट विंग चैनल्स पे जाएं तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे एक भर भर के इंगेजमेंट आ रही होगी। और एक माइंड सेट की भी बात है, राइट विंगर चैनल को हमेशा अनपढ़, जाहिल ये सब बोल दिया जाता है। जहां पे भी आप राइट विंगर चैनल देखेंगे वहां पे लिबरल्स के कमेंट्स इसी तरह आते हैं, लेकिन अगर हम लेफ्टिस्ट चैनल की बात करें तो उनको एजुकेटेड पर्सन माना गया है यूट्यूब की इस दुनिया में। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है भाइयों, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि उनको उन्होंने जो मतलब मार्केटिंग की हुई है ना, इसी तरह से की हुई है कि उनकी आइडियोलॉजी के जो भी खिलाफ है वो अनपढ़ है। नंबर टू पॉइंट है हमारा ग्रेट मैनिपुलेटर। अगर हम मैनिपुलेशन टेक्निक्स की बात करें तो ध्रुव राठी बहुत प्रो है भैया इसमें। एक बार तो इन्होंने मुझे ही घुमा दिया था, मैं ही समझने लगा था कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा फैक्ट चेक किया और मैं समझ गया कि भैया इन्होंने बहुत ही चालाकी से मुझे घुमा दिया है। अब देखिए इसी वीडियो की बात कर लेते हैं। केरला स्टोरी वाले वीडियो में ध्रुव राठी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है और जो वीडियो एल्विश यादव का दिखाया गया है उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा यार, बिकॉज एल्विश यादव जो वीडियो दिखाया गया उसमें फिक्शनल करेक्टर को निभा रहे थे। अब फिक्शनल करेक्टर में तो बंदा कोई भी करेक्टर निभाता है, तो उससे किसी की पर्सनैलिटी को, रियल लाइफ को नहीं जज किया जा सकता, बट यहाँ पे ध्रुव राठी ने एज एन एग्जाम्पल उसको यूज किया। अब जो कल कॉन्ट्रोवर्सी हुई है रिजर्वेशन वाले वीडियो में भी यही किया। एल्विश यादव का एक चलाऊ बातें जो चल रही हैं, नॉर्मली जो एक नॉर्मल अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई चीज है उसको यूज कर लिया गया, और इनफैक्ट एल्विश ने बोला भी है कि भाई वो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में चीज बोली है, तो वो भी एक मुझे लगता है नॉनसेंस चीज है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे भी चीजें यूज करते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। हमारा तीसरा पॉइंट है ग्रेट एजुकेटर, मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड ग्रेट ओरेटर। ग्रेट एजुकेटर इसलिए बिकॉज ये बंदा स्पेस साइंस की वीडियोस में घुसा तो फैक्टेक का चैनल डेड कर दिया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स नहीं भाई, पॉलिटिक्स बायस्ड है, और जो भी सब्जेक्ट ले लो भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनको अन अकेडमी या स्टडी आईक्यू में हाथों हाथ लेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं ऐसे वीडियोज इनके। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनकी जो पर्सनैलिटी है ना बिल्कुल टीचर वाला लोग आता है, मतलब लगता है कि कोई टीचर आ गया। और मार्केटिंग एक्सपर्ट इसलिए हमारे वीडियो का कंक्लूजन भी इसी में छुपा हुआ है, बिकॉज ही नोज इस वक्त एल्विश को टारगेट करेंगे तो उससे एक फ्री क्लाउड मिलेगा, हाईलाइटेड रहेंगे और
एक यूट्यूबर को क्या चाहिए यार, हाइलाइटर रहना नहीं चाहते हैं यूट्यूबर्स, वो चाहते हैं कि वो दिखते रहें बराबर। बाकी आप जनता की राय, क्योंकि मैंने तो आपको पॉइंट्स जो भी बताए हैं इसमें, देखो मैं कहीं बायस नहीं हूँ। देखो मुझे ये भी कमेंट आता है कि तुझे एलविश यादव ने कितने पैसे दिए, मुझे ये भी कमेंट आता है कि तुझे भाई फुकरा ने कितने पैसे दिए, मुझे ये भी कमेंट आएगा ध्रुव राठी ने कितने दिए। मैं सिर्फ आपको सबकी खासियत बता रहा हूँ। अब फैसला आपको सुनाना है तो जल्दी से कमेंट्स में सुनाइए। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, जो कमेंटर्स हैं प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर हम आपके ही कमेंट्स को पोस्ट करते हैं, आपके ही कमेंट्स उठाते हैं जो बढ़िया बढ़िया होते हैं और पोल चलाते हैं, तो वहां पे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर्स में जो भी ज्वाइन होंगे उनमें से हम एक आधे बंदों को उठाएंगे और उनको गिफ्ट्स देंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।